हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमने बताया था आपको, जैसे कि आज हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो यूनिट 3 हम शुरू करेंगे किसका? BRR001 का यूनिट 3। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, लेकिन चैप्टर इम्पोर्टेंट है एज एक्सपीरियंस के लिए भी और एज बुक के लिए भी। तो इसका नाम है रिटेल फॉर्मेट्स। तो चलते हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि रिटेल फॉर्मेट होती क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है किसमें, कि रिटेल फॉर्मेट होती क्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म रिटेल फॉर्मेट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर रिटेल बिजनेस कन्वीनियंस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैटेगरी द नीड्स ऑफ द एंड यूजर्स। बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दुकान का, कि दुकान को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार कौन चाहिए और कैसा कैसा होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन और डेवलप करता है बेसिकली एंड ऑफ नंबर कस्टमर के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, ओल्ड टाइम में थे मॉम एंड पॉप स्टोर, जो बताया था मैंने आपको पहले ही, और जो मॉडर्न टाइम में है, तो मॉडर्न टाइम में आप मॉल का देख सकते हैं एग्जांपल। मॉल के मतलब बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े AC लगे होते हैं इसमें। तो पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब नए टाइम में नए मॉल, नए रिटेल स्टोर ऐसे हो चुके हैं कि बड़े बड़े मॉल में बदल चुके हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी बहुत सारे खुल चुके हैं वही। तो फिर आते हैं थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ चेंज इन रिटेलिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर थे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर था व्हील ऑफ रिटेलिंग, ये प्रोवाइड की थी मैक नायर ने। बेसिकली इसके अंदर ये था कि हम अपने सामान को कम दाम पे बेचते थे। कम दाम पे बेचने मतलब लो मार्जिन मतलब हायर कस्टमर को कम दाम पे सामान बेचना, तो हायर कस्टमर आएंगे वो। फिर उसके बाद था डायरेक्टिक प्रोसेस। बेसिकली इसमें हम दो काइंड के प्रोसेस या सर्विस बेचते थे एक फर्म के अंदर। इससे हमारे न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होते थे हमारे तरफ। फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन मतलब होता है कि जो डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक इन द सेंस कि जो समय के साथ बदलाव लाते हैं, क्योंकि जो रिटेल बिजनेस समय के साथ बदलाव नहीं लाते वो बंद हो जाते हैं, और जो अपना वो समय के साथ बदलते रहते हैं वो चलते रहते हैं आगे। तो उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलिंग रिटेल फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन रिटेल फॉर्मेट 3 टाइप में होती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स इन 3 टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं हम कौन सा है। सबसे पहला टाइप आता है हमारा फॉर्म ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के बेस पर हमने रिटेल हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है रिटेल फॉर्मेट को। तो इसमें 5-6 पार्ट हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्टोर स्ट्रेटजी मिक्स, कि मतलब हमने स्टोर स्ट्रेटजी मिक्स के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है रिटेल फॉर्मेट को। इसके भी 5-6 पार्ट हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नॉन स्टोर ऑपरेशन, ये भी मेन है काफ़ी, क्योंकि ये वो एक्टिविटीज होते हैं जो स्टोर से रिलेटेड नहीं होते, तो भी हमारे रिटेल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इनसे हमने क्लासिफाई किया अपने रिटेल फॉर्मेट्स को। अब इन 3 पार्ट के भी आगे 5-6 पार्ट हैं, वो पार्ट हम आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, फॉर्म ऑफ ओनरशिप से। अब फॉर्म ऑफ ओनरशिप के मतलब जो 5-6 पार्ट हैं, हम उनको एक एक करके मतलब बताएंगे आपको। आप अच्छा रहेगा कि आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑनरशिप के बेस पे और स्ट्रेटजी मिक्स से हम दुकान चलाते हैं, ये मेन पॉइंट इसलिए मैंने आप इस वीडियो रुकी हुई है। इन 2 पॉइंट से सीधा स्टोर डिफेक्ट होता है। अब इस बात है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। तो सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट रिटेलर होता है जिसने खुद अपना रिटेल शॉप खोला होता है, जैसे होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, उन्होंने बिजनेस पढ़ा था एकम स्वामी, इसमें हम खुद अपना स्टोर चलाते हैं, हमारे पास किसी का दबाव नहीं होता। फिर आता है रिटेल चेन, जब हमने किसी की चेन परचेज की होती है, जैसे हमने मैकडोनल्ड की चेन परचेज कर ली, हमने मैकडोनल्ड का दुकान खोल लिया उसको खरीद के। फिर होता है रिटेल फ्रेंचाइजी, मतलब हमने किसी कंपनी का नाम लेके जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है वो खोल, जैसे एडिडास, हमने एडिडास का नाम लेके एडिडास की दुकान खोल ली। फिर आते हैं कोऑपरेटिव स्टोर, जो कोऑपरेटिव स्टोर बेसिकली होते हैं जो भी ऑपरेटिव होते हैं ना असेंबली, जैसे एजुकेशन सिस्टम, जो भी हमारे स्टोर जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड हो वो कोऑपरेटिव में आते हैं। उसके बाद आते हैं स्टोर स्ट्रेटजी मिक्स। तो स्टोर स्ट्रेटजी मिक्स में सबसे पहला आता है हमारा कन्वीनियंस स्टोर। तो बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर वो होते हैं जो हमारे घर के आसपास ही खुले होते हैं, जो हमें डेली लाइफ नीड का सामान मिल जाता है आसानी से, तेल नमक आसानी से मिल जाता है हमको। फिर उसके बाद आता है कन्वीनियंस सुपर मार्केट, वो जैसे बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर पे होते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंस स्टोर थोड़े से बड़े होते हैं, इसमें आपको 1 फ्लोर 2 फ्लोर मिल जाता है। फिर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है बेसिकली बुक में जो लिखा है कि 2 फ्लोर के होते हैं और इसमें डेली लाइफ का सामान मिल जाता है, लेकिन न्यू फॉर्म में डिपार्टमेंटल स्टोर 1 फ्लोर के भी हो जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए जो 1 फ्लोर के होते हैं। फिर स्पेशलिटी स्टोर आते हैं हाइपर मार्केट, जो बेसिकली किसी एक ब्रांड का होता है, जैसे एग्जांपल टाटा ट्रेंड एक स्पेशलिटी स्टोर, क्योंकि वो बेसिकली सारा सामान टाटा का बेचता है। फिर आता है हमारे लास्ट में हाइपर मार्केट। तो हाइपर मार्केट होते हैं जो मॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। हाइपर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारे चॉइस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सबसे बड़ा होता है हाइपर मार्केट।
फिर आता हमारा मेन टॉपिक नॉन स्टोर ऑपरेशन। ये एक्टिविटी स्टोर से रिलेटेड, मतलब सेल से रिलेटेड नहीं होती, हमें सेल करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले आता है हमारा इन होम टीवी होम रिटेल। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, रिटेलिंग, इसमें हम लोग ही घर घर जाके सामान बेचते हैं, या फिर हम टीवी से एड प्रमोट करके हम सामान बेचते हैं। फिर आती है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन जैसे एटीएम, एटीएम वेंडिंग मशीन का एग्जांपल है। ऐसे दूध भी मिलता है, कॉइन डालो दूध निकल जाता है, ये वेंडिंग मशीन है जिसमें हमें अपना खर्च करना होता है। उसके बाद आता है हमारा टैली सेल। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर को अपने कि आपको मतलब इससे रिगार्डिंग कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, या फिर जो हमने टीवी पे ऐड दिखा रखा होता है टेली सेल्स के अकॉर्डिंग उससे। फिर टेलीफोन रिटेलिंग से सारा काम आपका डाटा हमारे पास होता है, हम आपको कॉल करते हैं कि आपको इस सामान की नीड है या नहीं। फिर कैटालॉग रिटेलिंग, कैटालॉग रिटेलिंग होती है जिसमें हम मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, ब्रोचर प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये सामान चाहिए नहीं चाहिए। बेसिकली इसके बाद वही आएंगे फैक्ट्री आउटलेट्स और अलग। तो उसके बाद आते हैं हमारे मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट, कि अब जो नए नए रिटेल फॉर्मेट्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। पहले डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होया करते थे, पहले बस मॉम एंड पॉप स्टोर होते थे, मतलब छोटे छोटे स्टोर होते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंटल स्टोर भी आ गए, पे घर के आसपास पास खुले होते हैं, सारे सामान मिल जाते हैं। फिर आते हैं आपका वैरायटी स्टोर, जिसमें बहुत सारे मतलब एक ही फ्लोर, एक ही छत के नीचे आपको कई प्रकार के सामान प्रोवाइड कराना वैरायटी स्टोर का काम होता है। तेल, चीनी, नमक, सरसों, जो भी चाहिए होगा, सरसों तेल, आपको सब कुछ एक छत के नीचे मिलेगा। फिर आते हैं सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स। ये बेसिकली छोटे मॉल होते हैं, मॉल होते हैं लेकिन छोटे मॉल होते हैं। हाइपर मार्केट बहुत बड़े मॉल होते हैं, सुपर मार्केट एज कम्पेरिजन टू हाइपर मार्केट छोटे हैं। फिर कन्वीनियंस स्टोर आते हैं। बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर वो होते हैं जो आपके मतलब के वे में हो, आपके घर के वे में हो। बेसिकली घर और ऑफिस के बीच में जो दुकान खोलते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, जो जिनकी रीच आपके आपसे रीच इनके आसानी से पहुँच जाए। फिर आते हैं डिस्काउंट स्टोर। बेसिकली जो स्टोर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं सामान लेने में, वो स्टोर। फिर आते हैं हमारे कैटलॉग शॉप। जारा एग्जाम्पल है कैटलॉग शॉप का, वो आपको मैगजीन देखता है फिर आपको प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद हो तो वो आपको सामान देता है। फैक्ट्री आउटलेट, जिसमें कम सामान पे मिलता है, ओल्ड फैशन सामान फैक्ट्री आउटलेट में आता है कम दाम पे। फिर फैक्ट्री ऑन एंड कंपनी रन ऑन, मतलब ऑपरेटिंग, मतलब जो कंपनी खुद अपना दुकान चलाती है, जैसे वुडलैंड, वुडलैंड एग्जाम्पल है, खुद अपना दुकान चलाती है कंपनी ऑन स्टोर। फिर आता है चेन स्टोर इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से स्टोर के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला आता है फूड चेन, इंडिया फूड चेन है जो मैकडोनल्ड्स की ऐसे एग्जांपल है। फिर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट चेन, मतलब जो होते हैं जारा, फेयर लवली एंड ऑल्स। फिर आते हैं फूड क्लॉथिंग एंड फूड वेयर चेन, जूते और कपड़े चेन जो हमारे स्टोर खुले होते हैं। फिर आते हैं होम फर्नीचर एंड हाउस होल्ड गुड्स, मतलब फर्नीचर से जो दुकान होते हैं, सोफास के जो दुकान होते हैं। फिर वो फिर आता है ड्यूरेबल गुड चेन, जिनकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक दो साल से ज़्यादा होती है। जैसे हमें बाइक कार होता है एग्जाम्पल, लीजर्स एंड पर्सनल गुड्स। ये बेसिकली आते हैं, ये नए होते हैं चेन। इसमें बेसिकली हम म्यूजिक बुक, जो मतलब नए नए इन्वेंट होते ना, मतलब जो पहले नहीं थे, पहले म्यूजिक की दुकान नहीं होते थे, बुक के दुकान नहीं होते थे, अब वो एग्जांपल थे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी जरूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी पूछना। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अब जल्दी मिलेंगे आपसे चैप्टर 4 में, जब तक के लिए थैंक यू।